उत्तरकाशी डामटा में खेल और सांस्कृतिक समारोह 22वीं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक और क्रीडा प्रतियोगिता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे पुरोला विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय कर्माठ जुझारू और लगातार इस पूरे विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए सतत रूप से प्रयास करने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई सत्येंद्र राणा जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और इस पूरे महोत्सव के संयोजक के नाते लगातार काम करने वाले श्री आरणी नारायण सिंह चौहान जी, बच्चन सिंह चौहान जी अध्यक्ष मेला समिति, श्री दिनेश नौटियाल जी मंडल अध्यक्ष, श्री चमन सिंह चौहान जी, सरदार सिंह राणा जी, बहन सुरुता सुलोचना गौड़ जी, चतर सिंह चौहान जी, जगत सिंह चौहान जी, जवर सिंह जी, पूरण सिंह चौहान जी, कुशल चंद नौटियाल जी, दिनेश चौहान जी एवं हमारे मंच पर आसीन सभी हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी मेले के संयोजन में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे भाइयों एवं बहनों और बड़ी संख्या में इस यमुना घाटी क्रीड़ा महोत्सव एवं सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए, दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का इस महोत्सव में आने के लिए और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया, हेलीपैड से मैं यहां तक आते आते सैकड़ों की संख्या में हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने भी अपना आशीर्वाद दिया, मैं और मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज बहुत ही हमारा प्रसिद्ध त्योहार है, आज इगास बूढ़ी दिवाली और देव दिवाली, इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भाई दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे पहले इगास बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था, ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार, हमारी जो परंपराएं, जो हमारे पूर्वजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं, वो और आगे बढ़नी चाहिए, इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इगास पर्व को, बूढ़ी दिवाली को घोषित किया है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे निश्चित रूप से अपार खुशी हो रही है, अपार आनंद हो रहा है, मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देख रहा हूं। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए जो हमारी यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं और साथ में इस क्षेत्र के हमारे कर्मठ जुझारू एवं युवा विधायक मेरे छोटे भाई श्री दुर्गेश्वर लाल जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भव्य आयोजन के माध्यम से आपने न केवल हमारे इस जनजातीय और पिछड़े वर्ग के युवाओं की और नौजवानों की खेल प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया है, बल्कि ये हमारी समृद्ध विरासत से जुड़ने और उसे जानने के लिए भी एक अनूठा अवसर है, ये उपलब्ध कराया है, मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यमुना घाटी का ये क्षेत्र ये न केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भी इसका अपना एक अलग महत्व है, यह अत्यंत मनोरम है।
आज का यह समारोह हमारी यमुना घाटी की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें हम सब लोग मिलकर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ये आयोजन जहाँ हमारे जो पारंपरिक खेल है उन खेलों को बढ़ावा देने का माध्यम है, उसके साथ ही कला, संगीत, नृत्य, लोक परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत को भी सहेजने और सजोने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यह आयोजन निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के जो समृद्ध हमारी विरासत है, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। हमारे युवाओं को भी खेल के माध्यम से उनकी ऊर्जा, उनका सामर्थ्य, उनके व्यक्तित्व का विकास करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा।